Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really really well and welcome back to yet another most requested video. I don't know कितने लोगों ने इस प्रोडक्ट का रिक्वेस्ट किया था एंड देन मैंने इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करी, मुझे बहुत अच्छी लगी तो आई वॉज लाइक चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नंबरजिन नंबर 3 स्किन सॉफ्टनिंग सिरम. ये मैंने लिया था मैक्रॉन ब्यूटी से. नाउ इट्स बीन 21 डे से ऊपर हो चुका है एंड मैंने शूट किए हैं लाइव क्लिप सो दैट आप जो ट्रांसफॉर्मेशन है स्किन का वो देख पाओ. सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह की ये पैकेजिंग में आता है जिसपे ऑलमोस्ट आपको सारा इन्फॉर्मेशन मेंशन है, फुल इनग्रीडियंट लिस्ट एंड एवरीथिंग. एंड ये है इसका अंदर का फ्रॉस्टेड ग्लास ड्रॉपर पैकेजिंग. नाउ इट्स अ 50 ml ऑफ प्रोडक्ट एंड रिटेल फॉर 2250 rupees बट मुझे ये अराउंड 1500 or 1600 के आसपास का पड़ा था. 25-30% का ऑफ था मैक्रॉन ब्यूटी पे विच वॉज अ स्टील डील आई वुड से. दिस नंबर इन ब्रांड इज अ वेरी फेमस कोरियन स्किन केयर ब्रांड एंड दिस नंबर 3 सिरम हैज वन मेनी ब्यूटी अवार्ड लास्ट ईयर. नाउ इस ब्रांड के ना ये नंबर वाइज प्रोडक्ट्स हैं, टारगेट करते हैं अलग अलग स्किन कंसर्न को. तो दिस नंबर 3 इज फॉर स्किन सॉफ्टनिंग. अगर आपके स्किन में टेक्सचर है, अगर आपके स्किन में पोर्स है या रफ सरफेस है तो उसको सॉफ्ट करने में ये हेल्प करता है. नाउ इसमें ऐसा क्या है जो इतना ये हाइप पे है? इसमें डले हुए हैं 2 बहुत ही अमेजिंग फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट. सबसे पहले तो इसके अंदर डला हुआ है बिफिडा फर्मेंटलाइसेट एट 42%, विच वी ऑल नो हेल्प इन रेडियंस लाने में हेल्प करता है, कहीं पर भी टेक्स्चर है उसको ठीक करने में हेल्प करता है, फोटो डैमेज हुआ होता है जिसमें डीएनए अगर खराब हो गया तो उसको भी रिपेयर करने में हेल्प करता है. एंड दिस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट यू विल फाइंड इन एस्टेल ऑर्डर का ANR ऊपर डला हुआ टॉप पे बट कॉन्सेंट्रेशन मेंशन नहीं है. बट यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन मेंशन किया गया है. सो दैट व्हाट आई लव अबाउट दीज कोरियन ब्रांड्स की वो एग्जैक्ट जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं ना वो मेंशन करते हैं. लाइक ऐसा नहीं कि लिख दिया एंड आप बस गैस मारी जा रहे हो कि कितना परसेंट है. सेकेंड इसमें डला हुआ है ग्लेक्टोमाइसिस फर्मेंट फिल्ट्रेट विच अगेन अ फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट. स्किन का जो पीएच है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है, बैरियर को रिपेयर करने में हेल्प करता है, स्किन में इलास्टिसिटी बढ़ाने में हेल्प करता है और रेडियंस लाने में हेल्प करता है. ये मैंने यूज किया हुआ है ऑलरेडी. प्यूरिटो का ग्लेक्टोमाइसिस ट्राई किया है मैंने और कॉजरेक्स का ट्राई किया है तो उनको यूज करके मुझे यही फील आता था कि रेडियंस फील होती थी, राइट? तो इसके केस में भी आपको 21% मिल रहा है और 42 मिल रहा है बिफिडा फर्मेंट. तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आप लगा लो कितना परसेंट हो गया. अपार्ट फ्रॉम दीज 2 मेन हीरो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डले हुए हैं बंच ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स. आपको इसमें ग्लाइकॉल्स मिल जाएंगे, ग्लिसरीन मिल जाएगी एंड इसमें डला हुआ है नियासिनामाइड. ऑन द टॉप है तो आई बिलीव कि 4 या 5% का कॉन्सेंट्रेशन तो डेफिनेटली होगा, अगेन आपके मार्क्स पे भी काम करेगा. देन इसमें डला हुआ है स्क्वालेन विच वी ऑल नो जो हमारा नेचुरल ऑयल जो स्क्वालीन प्रेजेंट होती है उसको मिमिक करता है, ग्रेट फॉर एक्ने प्रोन स्किन, स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करती है. देन एक और फर्मेंट एक्सट्रैक्ट डला हुआ है, फिर एक सिल्क एक्सट्रैक्ट डला हुआ है, गोट मिल्क एक्सट्रैक्ट आपको इसमें मिल जाएगा, सोडियम हाइलुरोनेट विच इज अ ग्रेट ह्यूमेक्टेंट अगेन. देन आपको इसमें पैंथेनॉल मिल रहा है विच इज अ ग्रेट हाइड्रेटर, काफी सूदिंग होता है. एडिनोसिन है, इज अ वेल एजिंग इंग्रेडिएंट. देन एक गम डली हुई है, टेक्सचर एनहांसर्स डले हुए हैं एंड प्रिजर्वेटिव्स आर देयर. इट्स अ फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूला एंड इसमें कोई भी कलर एड नहीं किया गया है. लव द इंग्रेडिएंट लिस्ट, काफी अमेजिंग इंग्रेडिएंट लिस्ट है. टेक्सचर की बात करें तो इट्स नॉट एट ऑल अ वॉटरी सिरम, इट हैज अ मास टू दिस. मैं इसका यूज करती हूँ 1 full dropper फॉर होल फेस एंड नेक. काफी अच्छे से ये लग जाता है, चिपचिप नहीं है और जैसे आप इसको अप्लाई करते हो ना आपको इंस्टेंट जो एक रेडियंस और ग्लास स्किन वाला इफेक्ट है ना वो आपको नजर आना शुरू हो जाता है. नाउ लेट्स डाइव इनटू द लाइव क्लिप्स जो मैंने शूट किए हैं फॉर 21 days. Thank you.
As you have seen in the live clips and experience, you can see my skin is much much better. Like starting से लेकर end तक 21 days में मेरा skin काफी better मुझे feel हुआ है. Now ये सिर्फ मैं clip देख के नहीं बोल सकती हूँ, ये मैं जब सामने mirror में अपने face को देखती हूँ या जब कोई और videos के demos shoot करती हूँ और जब उनको edit कर रही थी, that time I realized कि my skin is looking much clearer, मच ब्राइटर और इवन टोन फील हो रहे हैं, मार्क्स भी लाइटन फील हो रहे हैं एंड एक रेडियंस और एक ग्लास लाइक इफेक्ट मुझे अपने फेस पे फील हो रहा है, विच आई एब्सोल्यूटली लव. तो आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. देखो मैं 21 डेज से इसको ट्वाइस अ डे यूज कर रही हूँ, तो ये सिर्फ इतना अभी खत्म हुआ है. आई वुड से 40% ये मेरा खत्म हुआ है, 60% अभी भी बचा हुआ है. सो अगर आप इसको ट्वाइस अ डे लगाओगे तो मान के चलो आपका ये 2 महीने निकाल देगा, 1.5 से 2 महीने निकाल देगा. अगर आप इसको वंस अ डे लगाते हो तो आपके 3 से 4 महीने बहुत आराम से निकाल देगा. आई फील आस्क मी वेदर आई विल बी रिपर्चेसिंग दिस वन और नॉट, डेफिनेटली येस. बट मैंने ये यूज करना शुरू किया था 15th of May को, उसी दिन मुझे ब्रांड का मेल आया था. ब्रांड हैज सेड कि वी लव योर वर्क, वी हैव सीन योर वर्क और हमें आपका काम बहुत अच्छा लगा है एंड वी वांटेड टू सेंड यू सम ऑफ आवर प्रोडक्ट्स टू ट्राई आउट. दे डोंट एक्सपेक्ट एनी वीडियो, दे जस्ट सेड कि हाँ इफ यू वांट आप शेयर कर सकते हो बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, इट्स जस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या क्या भेजा है. सबसे पहले तो मैंने उनको एक्चुअली लिखा भी था कि माई स्किन टाइप इज ऑयली, एक्ने प्रोन एंड वेरी वेरी सेंसिटिव, तो प्लीज उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट भेजना. तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे भेजा दिस प्योर फुल कामिंग हर्ब टोनर है ये. सेकेंड उन्होंने मुझे भेजा ये नंबर 3 टोनर असेंस है, सेम लाइन का ही सुपर ग्लोइंग असेंस टोनर है. एंड थर्ड ऑफकोर्स सेम सिरम मुझे भेजा गया है एंड दिस वॉज द न्यू वन एंड ये वो था जो मैंने खुद परचेज किया था. सो एक ये मुझे आ गया है बैकअप, सो आई थिंक आई डोंट नीड टू रीपरचेज दिस वन. एंड नेक्स्ट उन्होंने मुझे भेजा दिस डीप स्लीप मास्क नंबर 6. आई रिमेम्बर इसका भी मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया था कि इसका रिव्यू करो, तो इसको भी हम जल्दी ट्राई कर लेंगे. एंड लास्टली जो उन्होंने मुझे भेजा है 5th प्रोडक्ट इज दिस पर्पल कॉम्प्लेक्स मॉइस्चर बैलेंसिंग सूदिंग क्रीम, ये नंबर 1 वाली क्रीम है. सो ये उन्होंने मुझे 5 प्रोडक्ट भेजे हैं. सो मैं इनको भी एक एक करके ट्राई करूंगी. अगर आप चाहोगे तो मैं इनका कलेक्टिवली एक रिव्यू आपको दे दूंगी या देखूंगी जो जो मैं ट्राई करती जाऊंगी उसका मैं रिव्यू देती जाऊंगी. बट दिस सिरम इज रियली रियली अमेजिंग. इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैंने यहाँ स्क्रीन शॉट भी आपको दिया. येस इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस बिकॉज आई हैव परचेज दिस सिरम विद माई ओन हार्ड अर्न मनी. सो या फ्रॉम माई साइड आई विल हाईली रिकमेंड दिस वन, यू कैन गो फॉर दिस वन आंखें बंद करके. इज इट गाइज, दैट्स ऑल अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन दिस नंबर इन नंबर 3 सिरम. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.